हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद कि भैया हमारे लिए वीडियोस बनाओ, लास्ट टाइम पे आप हमको अकेला नहीं छोड़ सकते। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी महासंग्राम एडमिशन प्रोसेस क्या सारा रहने वाला है, क्या सारा सीन है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यार सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत सारी जगह एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, बहुत सारी जगह आपको लगातार ऑफलाइन नोटिस आ रहे हैं, आप लोगों को ईमेल भी आ रहे होंगे। आप लोगों को से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे ईमेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, आपके ईमेल में यार तीन सेक्शन होते हैं। एक नॉर्मल होता है, प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं, एक जो आपका कॉन्टैक्ट वाला होता है, एक प्रमोशन होता है। आप जब नीचे जाओगे अपने फोन के साइड में तो आपको एक दिखेगा स्पैम वाला ऑप्शन, स्पैम वाले में आप लोग जो है क्लिक करके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से जो है ईमेल आई हुई है दिखेंगे। आप लोगों को उस ईमेल को ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारी कॉलेजेज आपको अपॉर्चुनिटी देती है एडमिशन के लिए कि हमारे यहाँ पर सीट वैकेंट है, आप ऑफलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में ऑफलाइन सीटें वैकेंट रहती है और अगर आपने उस कॉलेज के लिए पहले रजिस्टर किया था तो जो आप लोगों को वो लोग ईमेल जरूर डालेंगे रिगार्डिंग द एडमिशन। और जिस भी कॉलेज में अगर सीटें वैकेंट रह रही है इस टाइम पे, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाक से यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाओ अपने डॉक्यूमेंट एंड फीस लेके, और इस टाइम पे जो आप एडमिशन ले सकते हो। ऑलमोस्ट 15 दिन बचे हैं यार, 15 दिन के बाद आपके जो एडमिशन्स है वो नहीं होने वाले, आपको फिर से अगले साल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे ऐसे रहते हैं कि भैया जो हमने भैया को 15,000-20,000 दे रखे हैं, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी किसी भी एजेंट काउंसलर को आप लोगों ने अगर पैसे दे रखे हैं, तो अभी जो वो सारा सेशन खत्म हो चुका है, आपको एक नॉर्मल गाइडेंस मिल सकती है। अभी जो है ऑनलाइन वाला ऑलमोस्ट प्रोसेस खत्म कर दिया गया है एंड आप लोगों को यार मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर किसी की काउंसलिंग भी ले रखी है देन जस्ट लाइक आप उनसे रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी प्राइवेट को छोड़ के, ठीक है। प्राइवेट में हो जाएगा ऑनलाइन। अगर आप गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं देन आप लोग एक ही काम कर सकते हो, बस जैसे ही यूनिवर्सिटी में सीटें वैकेंट हो, वैकेंट मैट्रिक्स आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन में मैं वैसे लिंक दे रहा हूँ UGPG के व्हाट्सएप ग्रुप, आप फटाक से तुरंत पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। जो भी आपका प्रोसेस होता है बस एक ही ऑप्शन बचा है, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको सीटें वैकेंट दिखती है उसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यार जैसे सेंटर जस्ट लाइक नंबर वाइज बात करेंगे अपन किस किस यूनिवर्सिटी का क्या सारा प्रोसेस है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, हर यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो गाइस आप देखते हैं हर कॉलेज की क्या सारी अपडेट है, एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं, आसाम यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एडमिशन चल रहे हैं, स्पोर्ट राउंड जल्दी कंडक्ट होने वाला है। स्पोर्ट राउंड के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड चल रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड प्रोसेस, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश स्पोर्ट राउंड प्रोसेस, उसके साथ आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड प्रोसेस, गुजरात यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम एडमिशन, झारखंड में ऑलमोस्ट एडमिशन हो चुके हैं, कर्नाटका में ऑलमोस्ट एडमिशन हो चुके हैं, कश्मीर में स्पोर्ट राउंड है, केरला में भी ऑलमोस्ट स्पोर्ट राउंड मान सकते हो स्पोर्ट राउंड, राजस्थान में एडमिशन चल रहे हैं, फर्स्ट राउंड आ चुका है एडमिशन का, साउथ बिहार में भी जस्ट लाइक ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोजिंग पे, तमिलनाडु में भी क्लोजिंग पे, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में 13 तारीख को ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड क्लोज कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे, गुरु घासीदास में भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है, हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे, बहुत सारे ब्रांचेज में क्लोज हो चुके हैं। हेमवती जस्ट लाइक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो यार ये काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है एंड इसके साथ ही काफी सारे बच्चों की इसके रिगार्डिंग क्वारी भी रहती है। यहाँ की अगर अपन बात करें तो यार पीजी के लिए ऑलरेडी मेरिट लिस्ट आ चुकी है एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट यूजी के लिए भी आ चुकी है एंड अगर अपन थर्ड मेरिट लिस्ट की अगर अपन बात करें तो जैसा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे अगर चेक की जाए तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अभी तक वन सेकेंड जैसा कि यहाँ पे 11 नवंबर को एक फिर से नोटिस आया था प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, तो दोस्तों अभी तक इसकी तरफ से सेकंड के थर्ड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आई है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया ऑलमोस्ट क्लोजिंग, जवाहरलाल नेहरू क्लोजिंग, महात्मा गांधी
जो भी है ये भी क्लोजिंग, ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट राउंड मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट स्पोर्ट राउंड, मिजोरम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, नागालैंड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, एंड ये जो है नेहू जो है NEHU ये भी स्पोर्ट राउंड, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, राजीव गांधी स्पोर्ट राउंड, लाल बहादुर शास्त्री स्पोर्ट राउंड, सिक्किम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड प्रोसेस, तेजपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, इफ्लू की अगर मैं बात करें तो थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जल्दी स्पोर्ट राउंड होने वाला है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट आ चुकी थी, आप लोगों को बुलाया गया था, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी फर्स्ट लिस्ट के लिए ऑलरेडी आपको बुलाया गया था, काफ़ी दिन हो चुके हैं, विश्व भारती में ऑलरेडी एडमिशन चल रहे हैं। उसके बाद कुछ जो है GFTI कॉलेजेज आ जाते हैं जिनको अपन जो है ये बोलते हैं स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज, तो यार ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेज आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, जैसा कि ये बारकोटला यूनिवर्सिटी हो गया, DAV कॉलेज, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा माना जाता है यार, AKTU में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, आप इनमें कॉलेजों में इंडिविजुअल स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी बच्चे हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन में हम एडमिशन करा देते हैं, वो भी आपको 100-200 रुपए के चार्ज में, ठीक है। ये जो है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी हो गया, जीवाजी यूनिवर्सिटी बहुत बेकार है मत जाना, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ठीक है, MMUT ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड हो गया था, काफ़ी दिन हो गए, एंड महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन बुलाया गया आप लोगों को, आई थिंक 18 तारीख को, ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ, फीस बहुत ज़्यादा हाई है यार इसका। देन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, डायरेक्ट पुलिस वाला, ठीक है, एंड श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, उसके बाद विक्रम यूनिवर्सिटी, उसके बाद CUET की वेबसाइट पे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी जा जाते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं भैया, यार ये ना तो गवर्नमेंट होते हैं ना प्राइवेट, मतलब प्राइवेट होते हैं गवर्नमेंट नहीं होते, लेकिन ये जो अपने रूल रेगुलेशन जो है सारे के सारे खुद ही रखते हैं, इनका एफिलिएशन खुद का खुद से ही होता है, यानी कि एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो किसी बड़े गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलेटेड होते हैं, या फिर जो किसी कोई एफिलेटेड नहीं होता वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है और अगर वो खुद के रूल बनाता है, खुद का एग्जाम लेता है, सारा सब कुछ खुद ही करता है, तो उसको हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके पास काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी ब्रांचेज होती है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, और ऑलमोस्ट वो प्राइवेट ही होता है, ठीक है, फीस भी काफ़ी हाई होती है, तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, ये भी काफ़ी ठीक ठाक कॉलेज होते हैं, फीस काफ़ी हाई होती है इनकी, प्राइवेट ही होते हैं ये भी, एंड उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। उसके बाद क्या बचता है भैया, उसके बाद भी बहुत सारे GFTI कॉलेजेज आ जाते हैं जिनको आप लोग जो है टारगेट कर सकते हो, वो हर स्टेट में, अदर अदर स्टेट में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे, जो कि CUET के थ्रू एडमिशन इस बार तो नहीं लिया, लेकिन हाँ वो गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पे अगर सीटें वैकेंट होती है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, हालांकि अभी भी जो है मतलब ऑलमोस्ट जगह तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो, बस एक आशा है, एक होप है, और यार कोई चांस नहीं है, अभी ऑलमोस्ट सब जगह बंद हो गया, तो सारी बातों का ध्यान रखो, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने नहीं किया तो शायद आप लोगों का 1 साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, यह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हमने नया चैनल स्टार्ट किया है मिशन टू शेयर, उस पर यार 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार, ठीक है, बस एक ही लास्ट आशा उम्मीद आप लोगों से रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।